मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी दैट इज फोर्स एंड प्रेशर. इट्स योर 11th चैप्टर. जैसा आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं, उन्हें मूव करने में कौन कौन चीज़ें हेल्प करती हैं, और ये सब आपने पहले ही क्लासेस में अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है. अब हम डिस्कस करते हैं फोर्स. फोर्स की क्या है, एक सिंपल सी डिफिनीशन होती है जो होता है पुश और पुल. ओके, यानी कि किसी को भी पुश करना, धक्का देना, पुल करना यानी कि खींचना. ठीक है, इसके एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे दे रखे हैं. जैसे हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से, हमें रेस्ट से मोशन में लाना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है. जैसे कोई भी गाड़ी है वो रोड साइड में खड़ी है रेस्ट में, उसे अगर हमें मोशन में लाना है तो या तो कोई इसको पीछे से धक्का मारेगा तब वो मोशन में आ सकती है, या फिर हम उसे क्या करेंगे, उसमें एक्सेलरेट करेंगे, उसे एक्सेलरेशन देंगे तो वो मोशन में आ जाएगी. ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसे रेस्ट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में हम लोग जैसे ही बॉल को किक मारते हैं तो जो गोल कीपर होता है उसे वो बॉल पकड़ता है, गोल होने से रोकता है, तो उसे क्या लगाना पड़ता है, उसे फोर्स लगाना पड़ता है. तो हम हमारी एवरीडे लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो किसके थ्रू हम परफॉर्म करते हैं, फोर्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं. जैसे हमें किसी भी डोर को बंद करना है तो हम क्या करेंगे, उसे पुश करेंगे बंद करने के लिए, और अगर उसे खोलना है तो हम क्या करेंगे, पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे और उसे ईजिली ओपन कर लेंगे. ओके, सो इसकी डेफिनेशन आपके पेज नंबर 128 पे दे रखी है. फोर्स एंड फोर्स की डेफिनेशन सिंपली पुश और पुल. अब फोर्स की वजह से क्या होता है, फोर्स की वजह से चीज़ों का साइज डिक्रीज और इंक्रीज होता है फोर्स लगाने से. फोर्स की वजह से जो रेस्ट में होते हैं ऑब्जेक्ट्स वो मोशन में आते हैं, और जो मोशन में ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन किस में आ जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं. ठीक है, जैसे हम जब भी आटा गूंथते हैं, डफ गूंथते हैं, तो उसमें क्या लगाते हैं, हम फोर्स लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो साइज़ होता है वो कैसा होता है, साइज़ चेंज होता है पापर. तो उसमें हमने क्या अप्लाई करा, उसमें हमने फोर्स अप्लाई करा. ऐसे ही कोई भी कार अगर खड़ी हुई है, रेस्ट में खड़ी है वो, अगर हम उसे जब तक टच नहीं करेंगे, उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मूव नहीं करेगी, तो हमें उस पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा. तो इससे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आया. ऐसे ही ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसे रेस्ट पे लाने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है. इसके आगे हम आपकी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर क्या होता है, जिस भी फोर्स को लगाते समय हम किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. जैसे कोई भी गाड़ी खड़ी हुई है, हम उसके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, खड़े होने से तो वो नहीं चलेगी, उसे हमें छूना पड़ेगा, उसे हमें टच करना पड़ेगा. जैसे ही हम उसे टच करेंगे और उसे धक्का देंगे, उसे पुश करेंगे, वो चल देगी. तो ये क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. इसी कॉन्टैक्ट फोर्स से क्या होता है, हमारा मस्कुलर फोर्स भी इसी पे डिपेंड होता है. क्योंकि हमने जब उसे पुश करा, धक्का दिया, तो हमने क्या करा, हमारी मसल्स जो होती हैं, हमारी मसल्स ने उसमें काम करा, तो मसल्स से क्या हुआ, ये मसल्स फोर्स हुआ. तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है उसी के अंदर हमारा मसल्स फोर्स भी आ जाता है. आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 130 पे एक एक्टिविटी दे रखी है 11.2. इस एक्टिविटी में कैसे है, जैसे आप भी कोई एक्टिविटी अगर अपने घर पे परफॉर्म करेंगे फोर्स के लिए, तो कैसे, कोई भी एक हमने बॉक्स ले लिया, हम उस बॉक्स को एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अब क्या हुआ, मुझसे वो बॉक्स मूव नहीं हो पा रहा है, तो मैंने क्या करा, अपने ब्रदर को भी बुला लिया कि आओ तुम भी उसे मूव करो. अब हम दोनों सेम डायरेक्शन में उस बॉक्स को मूव कर रहे हैं, तो क्या हो गया, फोर्स ऐड ऑन हो गया. यानी कि पहला फोर्स मेरा और दूसरा फोर्स किसका लगा, मेरे ब्रदर का. तो दो फोर्स एक साथ ऐड ऑन हो गए और वो बॉक्स इजीली आगे मूव हो गया. लेकिन अगर वहीं मैं फोर्स लगा रही हूँ एक डायरेक्शन में और मेरा ब्रदर मेरे अपोजिट फोर्स लगा रहा है डायरेक्शन में, तो क्या वो बॉक्स मूव होगा, बिल्कुल नहीं, वो बॉक्स मूव नहीं हो पाएगा. उस वजह से क्या हुआ, जो फोर्स होता है उसके अंदर डायरेक्शन यानी कि मैग्नीट्यूड, जैसे हम डायरेक्शन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, वो भी बहुत
इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में होगा, जैसा कि फर्स्ट सिचुएशन में था कि मैं और मेरे ब्रदर एक ही डायरेक्शन में बॉक्स को मूव कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो फोर्स होते हैं वो एड ऑन हो जाते हैं। लेकिन अगर वही फोर्स हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में लगाएंगे तो क्या होंगे, वो फोर्स अलग अलग लगेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में लगेंगे, तो उसमें हमारा मैग्नीट्यूड काम नहीं करता। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस टिल नाउ, हम आज इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे का टॉपिक जो कि हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो हम नेक्स्ट क्लिपिंग में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ प्लीज़ स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करने से जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी वो आपको सबसे पहले शो होंगी। ओके, थैंक यू सो मच।